हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इज़ इन नीटिंग क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ये बूट लेकर आई हूँ बच्चों के लिए। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर मैंने ये पहिए भी बनाए हुए हैं। देखिए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए रेड एंड वाइट कलर का बूट है। तो आप इसे बहुत अच्छे से मतलब अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। और साइज़ मैंने यहाँ पर रखा है आपके बच्चे को 2.5 साल से लेके 4 साल तक के आराम से आएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है नीचे वाला ये काफ़ी स्ट्रेच होता है। इसमें अभी मैंने थोड़ा सा स्टफिंग की हुई है, इसमें कपड़े वगैरह भर रखे हैं, तो वो सॉरी कॉटन भरी हुई है इसमें, तो इसलिए इसका साइज़ इस तरह दिख रहा है। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ दो आइज़ बनाई हैं, यहाँ पर हम फेस बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए स्टार्टिंग हमें यहाँ के सोल पार्ट से करनी होगी। ठीक है, सोल पार्ट को हमें सबसे पहले बनाना होगा। तो देखिए इसको देख लेते हैं कि हमें किस तरह से बनाना है इसका ये सोल पार्ट। अब देखिए यहाँ पे सिंपली तरीके से मैंने 40 फंदे डाले हुए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से डाले हुए हैं। ठीक है, आप कैसे भी फंदे डालिए। फंदे डालने के बाद रॉन्ग साइड वाले फंदे डाले हैं, उसके बाद फिर मैंने ये एक सलाई उल्टी बुन ली है। ठीक है, इसके बाद अब हम फ्रंट साइड पर आ गए हैं। ठीक, अब फ्रंट साइड पर आने के बाद अब हमें क्या करना है ये देखिए। एक फंदा हमें इस तरह से उतारना है और एक फंदा हमें सीधा बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक फंदा इस तरह से बढ़ाना है, ये देखिए। इसके बाद मैं यहाँ पे एक मार्कर लगा लूँगी। ओके, अब हमें मार्कर के इस साइड बढ़ाना है। अब इसके बाद 17 फंदे मुझे इसी तरह से बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर ये जो हमने बूट बनाया है ये पूरी जो हमने निटिंग की है इसमें गार्टर स्टिच में निटिंग की है। ठीक है, उल्टा उल्टा बनाया है ये हमने, यहाँ नीचे भी और ये सारा कुछ गार्टर स्टिच से बनाया है। ये हमने क्रोशेट हुक से बनाया है। ठीक है, इसके बाद ये जो मैंने बनाया है सिंपल सीधा और उल्टा बुनने के बाद, और यहाँ पर मैंने 2x2 की रिब बनाई है। ठीक है, इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया है। और वूल यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थिक यूज़ किया है। मैं आपको वूल दिखा देती हूँ। देखिए ये वाइट कलर का और ये रेड कलर का वूल है। मैं आपको दोनों ही वूल दिखा देती हूँ। देखिए ये, देखिए ये ना थिक वूल है थोड़ा सा, और आप भी इसे थोड़ा थिक वूल से ही बनाएंगे तो ये बेटर फिनिशिंग के साथ बनेगा और थोड़ा सा साइज़ में और थोड़ा सा साइज़ भी इसका जो मैं बना रही हूँ वही साइज़ बनेगा। 2.5 से 4 साल 4.5 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आएगा। अगर आप इसे पतली वूल में बनाते हैं तो आप दोनों धागे को डबल करके बना सकते हैं, धागे को डबल करके बना सकते हैं। और अगर आप सिंगल धागे से बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा साइज में फ़र्क आ जाएगा, वरना बूट आपका ऐसा डिज़ाइन आपका सेम बनेगा। ठीक है, साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। अब देखिए ये देखिए 6 प्लाई वूल है और 9 नंबर की मैंने यहाँ पे ये देखिए निडिल यूज़ की है। तो इसे हमने देखिए मैंने यहाँ पे ये 40 फंदे डाल के एक रो सीधी बनाई है, तो दोनों साइड से सीधा सीधा बनेगा। अब देखिए करना क्या है, पहला फंदा स्किप करेंगे, ये देखिए सेकेंड एक फंदा हम यहाँ पे नेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक फंदा हम यहाँ पे इस तरह से बढ़ाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच मार्कर डाल देंगे। अब 17 स्टिचेस में सीधे बुन लूँगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये देखिए 17। ठीक है, 17 फंदे बुनने के बाद अब यहाँ पे हम एक और स्टिच मार्कर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टिच मार्कर के लिए, अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप इस तरह से वूल को धागे को थोड़ा सा कट करके और इस तरह से राउंड बना के ये देखिए इसमें इस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने ये स्टिच मार्कर ये देखिए डाल दिया। 17 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे एक फंदा मैं बढ़ा दूंगी, ये देखिए, उसके बाद मार्कर में इधर ले लूँगी। ठीक है,
स्टिच मार्क करके इस साइड फंदे बढ़ेंगे और इधर जो मार्कर होगा इस साइड फंदे बढ़ेंगे, बीच के फंदे नहीं बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर टोटल 2 फंदे बुन लूँगी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसके बाद फिर से मैं एक स्टिच मार्कर लगा दूँगी इस तरह से, देखिए मैंने एक और स्टिच मार्कर लगा दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लूँगी, ठीक है। अब ये 17 फंदे मैं इस तरह से बुन लूँगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। अब एक मार्कर में और यहाँ लगा दूँगी, ये देखिए। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ा लूँगी, देखिए 1, ये 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ हमने ये स्टिच मार्कर लगाए उसके बाहर की साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं, बीच के जो 17 फंदे हैं वो 17 ही रहेंगे, ठीक है। बीच में जो भी फंदे हैं 17, ये 17 ही रहेंगे। इस स्टिच मार्कर के इधर उधर फंदे हमें बढ़ाने हैं। ये 17 फंदे मैंने बुन लिए, अब मैं यहाँ पे एक मार्कर लगा दूँगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ा दूँगी। अब 2 फंदे सीधे बुनूँगी, 1, 2, ठीक है। एक फंदा मैं और बढ़ा दूँगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर एक मैं मार्कर लगा दूँगी यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट 17 फंदे फिर से मैं सीधे बुन लूँगी, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। 17 फंदे के बाद इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक स्टिच मार्कर लगा लिया और एक फंदा मैं फिर से यहाँ पे इंक्रीज कर लूँगी, ठीक है। अब ये 2 फंदे मैं सीधे बुन लूँगी, ये देखिए। इसके बाद ये हमारा फ्रंट साइड है, और रॉन्ग साइड से पूरी रो में सीधी बुन लूँगी। यहाँ पे हम गार्टर स्टिच से काम कर रहे हैं, तो दोनों साइड से हम सीधी सीधी सिलाइयाँ ही बुनते जाएंगे, ठीक है। एक फंदा स्किप करेंगे और पूरी रो को मैं सीधा बुन लूँगी, देखिए इस तरह से। और इसके बाद ये जो स्टिच मार्कर है इसको मैं इस निडल पे ले लूँगी, ठीक है। और फिर से मैं इसी तरह से बुनती हुई पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए ये रो मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मैं फिर से फ्रंट साइड पे आ गई हूँ। अब देखिए वही करना है सेम जैसे हमने किया था। अब यहाँ पे लास्ट लाइन में हमारे पास फ्रंट साइड से 4 फंदे बढ़ गए, तो हमारे पास 44 फंदे हो गए हैं, 44, ठीक है। 40 स्टिचेस से हमने स्टार्टिंग की थी। अब देखिए एक फंदा स्किप करके ये मैं 2 फंदे सीधे बना लूँगी, ठीक है। यहाँ पे ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक फंदा फिर से मार्कर के जस्ट पहले एक फंदा मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगी, मार्कर इस साइड ले लूँगी। अब मैं 17 फंदे सीधे बुन लूँगी, 1, 2, 3। अब देखिए 17 फंदे ये मैंने सीधे बुन लिए। इसके बाद यहाँ देखिए मार्कर आ गया, ये मार्कर से पहले एक फंदा मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगी, पहले नहीं, मार्कर को मैं इस साइड ले लूँगी। अब मैं इसमें सेंटर पार्ट में एक फंदा बढ़ाऊँगी, ये देखिए बीच में हमें सेंटर में एक फंदा बढ़ाना है, 1, 2, 3, ये देखिए 4 फंदे बुनने के बाद एक फंदा मुझे फिर से बढ़ाना है और मार्कर को इस साइड ले लेना है, ठीक है। अब 17 फंदे मुझे फिर से सीधे बुनने हैं। अब देखिए 17 फंदे सीधे बुनने के बाद मार्कर को मैं
इस साइड ले लूँगी और एक फंदा मैं यहाँ पे इंक्रीज कर लूँगी। ये देखिए, इसके बाद रॉन्ग साइड से पूरी रो में उल्टी बना लूँ वो सॉरी सीधी बना लूँगी। पूरी रो में इसे सीधी बना के कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए रॉन्ग साइड से ये पूरी रो निकालने के बाद मैं फ्रंट साइड पे आ गई हूँ फिर से। अब फिर से वही करना है सेम, और तब तक हमें इंक्रीज करना है जब तक हमारे पास यहाँ पे 60 फंदे ना हो जाएं। देखिए इस तरह से ध्यान से देखिए, एक फंदा मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगी इस तरह से, मार्कर को मैं इस साइड ले लूँगी। देखिए साइड में हमें जहाँ ये वाला मार्कर लगा है और ये वाला मार्कर लगा है तो हमें इस साइड फंदे बढ़ाने हैं सिलाई के, ये जान लीजिए आप सिलाई के बाहर की साइड, ठीक है। ये सिलाई बाहर है, इस तरफ फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है। ये देखिए सिलाई बाहर है तो इस तरफ फंदे बढ़ाने हैं, फिर मार्कर उतारना है। इसके बाद यहाँ पे बीच में जो हमें फंदे बढ़ाने हैं वो ये जो तो मार्कर है इनके बीच में बढ़ाने हैं, बीच के फंदों, ठीक है, इस तरह। और बीच के जो 17 फंदे हैं वो सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे। 17 फंदे में इसी तरह से सीधे बुन लूँगी। देखिए इस मार्कर से पहले मैंने यहाँ फंदा बढ़ाया था, ठीक है, 17 फंदे बुन लिए। अब मैं यहाँ मार्कर को इस तरफ ले लूँगी, ये 17 फंदे हमारे 17 के 17 ही रहेंगे। अब जस्ट इसके बाद बढ़ाऊँगी बीच के एरिया पे, ठीक है, यहाँ पे। अब फिर मैं इनको सीधा बुन लूँगी। ये देखिए इस तरह से, अब मार्कर से पहले एक फंदा बढ़ाऊंगी, इसके बाद मार्कर को मैं इस पे ले लूंगी, ठीक है। अब 17 फंदे बुनूंगी पूरे। अब देखिए 17 फंदे मैंने बुन लिए, मार्कर मैंने ले लिया इस साइड। अब सिलाई के बाहर की तरफ यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से फंदा आप किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं अपने तरीके से, मैं इसी तरह से बढ़ा रही हूँ। कई तरीके होते हैं वैसे तो फंदा बढ़ाने के। देखिए यहाँ से रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी बुन लूँगी मैं, वो सॉरी सीधी बुन लूँगी। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट साइड पे आ गए हम लोग, ठीक है। रॉन्ग साइड से पूरी रो मैंने सीधी बुन के फ्रंट साइड पे फिर से हमें वही करना है। देखिए जिस तरह से हमने किया था, हमें हर रो पर 4 फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ये फंदे बुन लिए, इसके बाद हमें यहाँ पे एक और बढ़ा लेना है, ठीक। अब देखिए एक फंदा मैं यहाँ पे इसे बढ़ा लूँगी, ठीक है, मार्कर इधर लूँगी, 17 फंदे में सीधे सीधे बुन लूँगी। देखिए 17 फंदे हो गए। अब इसको इस पे लेके एक फंदा मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगी, देखिए एक फंदा मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगी, इसको इस साइड ले लूँगी और 17 फंदे बुन लूँगी मैं यहाँ। देखिए 17 फंदे बुन लिए, इसको यहाँ पे लेके इस तरह से फंदा बढ़ाऊँगी और ये फंदे बुन लूँगी। इसके बाद मैं रॉन्ग साइड से पूरी रो सीधी बुन के कंप्लीट कर लूँगी। मेरी ये लास्ट लाइन है फंदे इंक्रीज करने की। देखिए एक फंदा मैं यहाँ पे इन फंदों को बुन लूँगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ 56 फंदे हो गए, हमें 60 फंदे करने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, एंड ये देखिए यहाँ पे मैं इसको एक फंदा बढ़ा लूँगी, फिर यही करूँगी सेम 17 फंदे बुन लूँगी। देखिए 17 फंदे मैंने बुन लिए। अब मार्कर को इस साइड लेके मैं यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लूँगी। इस लाइन के बाद हमारे पास टोटल 60 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा मैं यहाँ इंक्रीज कर लूँगी और मार्कर को मैं इस साइड ले लूँगी, 17 फंदे मैं फिर से सीधे सीधे बुन लूँगी। अब देखिए यहाँ 17 फंदे बुनने के बाद इस तरह से मार्कर को मैंने अपनी साइड ले लिया, अब एक फंदा मैंने और बढ़ा लिया। अब देखिए इसके बाद अब रॉन्ग साइड से मैं पूरी रो सीधी बुन लूँगी
उसके बाद ये हमारा जो सोल का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा 60 फंदों के साथ। देखिए रॉन्ग साइड से मैं पूरी रो बना लूँगी सीधी। अब देखिए यहाँ पे ये 4 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं, ये रोज़ बना के कंप्लीट हो गई हैं, 60 फंदे हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे ये रेड कलर से, अब हम यहाँ पर रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे, उससे 6 सलाइयाँ, ठीक है, 6 सलाइयाँ मैं रेड कलर से बनाऊँगी सीधी सीधी, दोनों साइड से सीधी सीधी। देखिए रेड कलर का धागा मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर लूँगी। और सीधा सीधा बुनूंगी मैं यहाँ पे, देखिए। देखिए इसी तरह से, और मार्कर को अब हम हटाते जाएंगे और बिना बढ़ाए फंदों को बनाते जाएंगे। टोटल 60 फंदे हैं, हम 60 फंदे ही रहने देंगे। इस तरह से सीधा सीधा बना के हम इसे कंप्लीट कर लेंगे पूरी रो को, ठीक है। तो पहले मैंने 6 सलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 6 सलाइयाँ यानी कि ये 3 रोज़, 1 2 3, 3 लाइनें बन, 2 सलाइयों से 1 लाइन बनती है, तो इस तरह से 3 लाइनें बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे बताती हूँ आपको कि क्या करना है। मेरी ये लास्ट लाइन है फंदे इंक्रीज करने की। देखिए एक फंदा मैं यहाँ पे इन फंदों को बुन लूँगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ 56 फंदे हो गए, हमें 60 फंदे करने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, एंड ये देखिए यहाँ पे मैं इसको एक फंदा बढ़ा लूँगी, फिर यही करूँगी सेम 17 फंदे बुन लूँगी। देखिए 17 फंदे मैंने बुन लिए। अब मार्कर को इस साइड लेके मैं यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लूँगी। इस लाइन के बाद हमारे पास टोटल 60 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा मैं यहाँ इंक्रीज कर लूँगी और मार्कर को मैं इस साइड ले लूँगी। 17 फंदे मैं फिर से सीधे सीधे बुन लूँगी। अब देखिए यहाँ 17 फंदे बुनने के बाद इस तरह से मार्कर को मैंने अपनी साइड ले लिया। अब एक फंदा मैंने और बढ़ा लिया। अब देखिए इसके बाद अब रॉन्ग साइड से मैं पूरी रो सीधी बुन लूँगी। उसके बाद ये हमारा जो सोल का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा 60 फंदों के साथ। देखिए रॉन्ग साइड से मैं पूरी रो बना लूँगी सीधी। अब देखिए यहाँ पे ये 4 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं, ये रोज़ बना के कंप्लीट हो गई हैं, 60 फंदे हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे ये रेड कलर से, अब हम यहाँ पर रेड कलर का धागा ज्वाइंट करेंगे, उससे 6 सलाइयाँ, ठीक है, 6 सलाइयाँ मैं रेड कलर से बनाऊँगी सीधी सीधी, दोनों साइड से सीधी सीधी। देखिए रेड कलर का धागा मैं यहाँ पर ज्वाइंट कर लूँगी। और सीधा सीधा बुनूंगी मैं यहाँ पे, देखिए। देखिए इसी तरह से, और मार्कर को अब हटाते जाएंगे और बिना बढ़ाए फंदों को बनाते जाएंगे। टोटल 60 फंदे हैं, हम 60 फंदे ही रहने देंगे। इस तरह से सीधा सीधा बना के हम इसे कंप्लीट कर लेंगे पूरी रो को, ठीक है। तो पहले मैंने 6 सलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 6 सलाइयाँ यानी कि ये 3 रोज़, 1 2 3, 3 लाइनें बन, 2 सलाइयों से 1 लाइन बनती है, तो इस तरह से 3 लाइनें बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे बताती हूँ आपको कि क्या करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर रेड कलर से ये 3 लाइंस बना ली हैं, ये देखिए 3 रिब्स इस तरह से। अब यहाँ पे मैं 2 लाइन वाइट कलर की वूल से बनाऊँगी, सेम जैसा ये है बिल्कुल सेम ही बनाऊँगी। देखिए धागा चेंज कर देंगे अब हम यहाँ पे, वाइट वाला धागा ऊपर ले आएंगे और इसी तरह से दोनों तरफ से सीधी सीधी 2 लाइंस हम वाइट कलर के धागे से बना लेंगे। देखिए इस तरफ से भी सीधी और फिर रॉन्ग साइड से भी सीधी।
देखिए मैं यहाँ पे ये दो सिलाइयाँ इससे वाइट कलर की वूल से बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे चार सिलाइयाँ मैं फिर से रेड कलर की वूल से बनाऊंगी, ठीक है। चार सिलाइयाँ यानी कि ये दो धारियाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं कलर चेंज करूँगी और दोनों तरफ से सीधी सीधी चार सिलाइयाँ इस तरह से बना लूँगी मैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये चार लाइंस रेड कलर से बना ली हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये रेड कलर के वूल से बनाएंगे। उसके बाद ये हम वाइट पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अब इस पार्ट के लिए हम इसको फंदों को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम एक मिनट 24 फंदे इधर रखेंगे, 24 इधर रखेंगे, सेंटर में हम 12 फंदे रखेंगे। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब देखिए 24 फंदे ये, इसके बाद 12 फंदे, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये 12। एक बार काउंट करते हैं, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12। एक मार्कर हम यहाँ लगा देंगे, ये देखिए 24 फंदे हमारे पास इधर हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये देखिए 24, ठीक है। इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए करना क्या है, फ्रंट साइड से हैं तो यहाँ से बुनते हुए मैं यहाँ तक आऊँगी पहले, देखिए यहाँ तक पहले मार्कर तक मैंने बुन लिए, मार्कर मैं इधर ले लूँगी और ये जो 12 फंदे हैं इनको भी मैं बुन लूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए यहाँ मार्कर से एक फंदा पहले, 11 फंदे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये फंदा और ये मार्कर हटा दूंगी और ये फंदा दोनों साथ में 2 का 1 करूंगी, ठीक है। इस तरह से देखिए अब मार्कर में यहाँ लगा दूंगी, अब यहीं से मैं टर्न हो जाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास सेंटर में 12 फंदे ही रहेंगे और साइडों से फंदे कम होते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब पहला फंदा मैं स्किप कर लूँगी, फिर से मेरे पास 12 फंदे आ गए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 6, 7, 8, 9, 10 और ये देखिए 11 और ये 12। अब इस फंदे को मैं जैसे मैंने यहाँ किया था सेम करूँगी, इसको इधर लेके मार्कर में इसे हटा दूँगी और इस फंदे के साथ मैं इसे उल्टा बुन लूँगी, 2 का 1 कर दूँगी, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे मार्कर इस साइड लगा दूँगी, मार्कर इस लगाना ज़रूरी नहीं है अब, लेकिन स्टार्टिंग में हम लगाएंगे जिससे कि हमारे पास फंदे थोड़े से गलत ना हो जाएं। अब देखिए फिर से हम एक फंदा स्किप कर लेंगे, ठीक है। सॉरी गाइस सॉरी, यहाँ पे ना मुझे ये उल्टी सिलाई मैंने बुन दी है, उसकी जगह मुझे देखिए ये फंदा घटाने के बाद ये हमने घटा लिया, अब जस्ट यहाँ से हम पलट जाएंगे, ठीक है। मार्कर हम यहीं रहने देंगे, अभी स्टार्टिंग में मार्कर लगा रहने देंगे इसी तरह से। फिर से हम पहला फंदा स्किप करेंगे और वही टोटल, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये देखिए 11, ठीक है। अब ये 12वां फंदा मैं इस फंदे के साथ बुनूंगी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। मार्कर में यहाँ पे फिर से लगा दूंगी और जस्ट यहाँ से मैं फिर से पलट जाऊंगी, मतलब हमें ये बस ये जो बीच के 12 फंदे हैं उन फंदों को ही बुनना है और इस फंदे के साथ 2 का 1 करते हुए, साइडों के फंदों के साथ 2 का 1 करते हुए, ठीक है। पहला फंदा स्किप, उसके बाद अब 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। देखिए ये हो गया 11, ठीक है, 11 फंदे हो गए। अब 12 फंदे, ये 12वां फंदा है। अब चाहे तो मार्कर हटा सकते हैं, इस फंदे को इस फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से घूम जाएंगे फिर से, बीच के फंदे हमारे पास जो 12 हैं वो 12 के 12 ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये देखिए जो 12 फंदा है, 12वां फंदा है, इसको हम इसके साथ सीधा बोल लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर से बैक साइड हो आ जाएंगे, देखिए इस तरह से ये बनकर आने लगेगा। और ये फंदे हम तब तक घटाएंगे जब तक ये हमारे साइडों पर 15 फंदे ना रह जाएं। देखिए अभी इस समय हमारे पास कितने फंदे हैं, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 2 22, देखिए है ना, 24 फंदे थे, 2 2 फंदे हम घटा चुके हैं। फिर से सेम वही करेंगे, एक बार और देख लीजिए, फिर मैं ऑफ कैमरा करूँगी, उतारेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। इसको हम इसके साथ बुनेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर हम घूम जाएंगे यहीं से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये देखिए 12वां फंदा है, इसको हम इसके साथ घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। फिर से घूम जाएंगे। अब देखिए इसी तरह से हमें साइड से 15 फंदे ना रह जाएं, साइड में 15 इधर 15 इधर, तब तक हमें ये इसी तरह से घटाते रहना है, 15 15 फंदे छोड़ने हैं और बीच के जो 12 फंदे हैं 12 ही रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसे ऑफ कैमरा कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, ये बनने के बाद ये यहाँ साइड से मेरे पास देखिए 15 फंदे यहाँ रह गए, 15 फंदे यहाँ रह गए और बीच में मेरे पास 12 फंदे हैं। अब मैं यहाँ पे जो सेंटर में वाइट कलर का धागा ऐड करूँगी, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, और इसको मैं सीधा सीधा बनाऊँगी, बारह फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसके बाद मैं जस्ट फिर से बैक साइड आ जाऊँगी, इन 12 फंदों को फिर से मैं सीधा सीधा बुनूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से मैं इन 12 फंदों को सफ़ेद कलर से बुनते हुए, वाइट कलर से बुनते हुए यहाँ पे देखिए 8 सिलाइयाँ बना लूँगी, 1 2 3 4, यानी कि 4 रिब्स बना लूँगी, टोटल 8 सिलाइयाँ। अब देखिए यहाँ पे ये 4 रोज़ मैंने निकाल लिए सीधी सीधी 12 फंदों के साथ। अब देखिए क्या करना है कि पहला फंदा तो देखिए मैं स्किप करूँगी, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा बनाऊंगी, देखिए इस तरह से 2 फंदे घटा दूंगी इस तरह से, फिर 12 फंदे, फिर ये फंदों को मैं बुनूंगी इस तरह से, लास्ट के जो फंदे रह जाएंगे अभी आप देखिए, ये देखिए जो 2 फंदे हैं एज स्टिच से पहले वाले,
इनको मैं 2 का 1 कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। फिर इसको एज स्टिच के रूप में ले लूँगी इस तरह से। रॉन्ग साइड से पूरी रो हम इसी तरह से निकाल लेंगे बिना फंदे घटाए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए 10 फंदे हो गए हमारे पास। जो रो हमने अभी रिपीट की थी जिस तरह से फंदे घटाए थे, सेम इसी तरह से मैं एक बार और फंदे घटा लूँगी, ठीक है। ऐसे मैं पूरी रो इसी तरह से निकाल लूँगी सीधी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए 9 और ये 10। अब जिस तरह से मैंने ये 2 रोज़ बनाई हैं, जिस तरह से मैंने ये फंदे घटाए थे, सेम उसी तरह से मैं फिर से घटाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मैं 2 फंदे घटाऊंगी इस तरह से, देखिए ठीक है। एक, अब मेरे पास यहाँ पे बस इसी यही 2 रोज और बनाऊंगी मैं वाइट कलर से। ये देखिए यहाँ पे इसको मैं घटा लूँगी 2 फंदों को इस तरह से, और रॉन्ग साइड से पूरी रो में सीधी बनाऊंगी बिना फंदे घटाए। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे रॉन्ग साइड से ये 8 फंद सीधी बना ली पूरी रो। अब मैं यहाँ फ्रंट साइड पे आ गई हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रिब्स बन के आ गई हैं। अब करना क्या है, अब हमारे पास यहाँ वाइट कलर का धागे का काम तो ख़त्म हो गया, इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ रेड कलर से वर्क करेंगे। अब देखिए करना क्या है, ये यहाँ पे हमने अपना रेड कलर छोड़ा था, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 7 फंदे पिक करने हैं, ठीक है। 7 फंदे उठाने हैं। अब देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनको भी मैं इस तरह से सीधा बुन लूंगी। ये देखिए ये हमारे पास एक ही सिलाई में आ गए। अब यहाँ पे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक 7 फंदे उठाने हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से 1, 2, 3, 4, 3, देखिए 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 फंदे हमने उठा लिए। अब यहाँ पे देखिए इस फंदे को इसके साथ में, सॉरी 7, उसके बाद में यहाँ पे से ये जो 7वां फंदा है मैं थोड़ा सा इस साइड से उठाऊंगी, जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा गैप ना दिखाई दे। ये देखिए इस तरह से अब मैं इसको भी सीधा बुन लूँगी। यहाँ पे जो फंदे हमारे पास टाइट बुनेंगे थोड़ा यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे सारे फंदे एक ही सिलाई पर सारे फंदे हमारे पास आ गए हैं रेड कलर के। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है अपना, ये जो हमने पार्ट बनाया है ये वाला पार्ट बनाना है। तो देखिए यहाँ पे अब तक हम गार्टर स्टिच से बनाते हुए आए, अब हम यहाँ पे सीधा और उल्टा बनाएंगे। सीधी सिलाई सीधी तरफ से, उल्टी सिलाई उल्टी तरफ से। देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, अब हम यहाँ पे सारे फंदों के
उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे। और देखिए यहाँ से यहाँ तक बुनते हुए आई उल्टी साइड। अब ये जो फंदा है ये यहाँ देखिए हमें गैप दिखाई दे रहा है, इस फंदे को हम इसके साथ दो का एक कर देंगे। देखिए इस तरह से, सॉरी सॉरी, इसके साथ दो का एक नहीं करेंगे हम, इसमें ये जो फंदा है हमारे पास इसे हम उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद एक फंदा हम यहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने ये फंदा पिक किया और उसके बाद इन दो फंदों को हम दो का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए जिस तरह से मैंने ये इस तरफ से सीधा और इस तरफ से उल्टा बनाया, इसी दो सिलाइयाँ मैं बना चुकी हूँ। इसी तरह से बनाते हुए मैं यहाँ पे आठ सिलाइयाँ और बना लूँगी, ठीक है। देखिए इधर से हम सीधा बनाएंगे, फ्रंट साइड से हम सीधा सीधा बुनेंगे, देखिए इस तरह से, और रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से मैं 10 सिलाइयाँ और बना लूँ, वो सॉरी 8 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने 10 रोज़ बना के कंप्लीट कर ली हैं। अभी तक मैंने दो रोज़ आप सामने बना के दिखा देती हूँ और 8 रोज़ जो मैंने ऑफ कैमरा बना के रेडी कर ली हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो रिब है ये जस्ट इस तरह से जो फोल्ड हो रही है इसको हम जस्ट इस तरह से सिंपली तरीके से बंद कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसको बंद किस तरह से करना है। सिंपल तरीका है जैसे कि एज ऑलवेज आप लोग करते हैं। देखिए स्किप, फर्स्ट स्किप करना है एंड देखिए इसको हम इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर से जस्ट इसको निकाल देंगे, ठीक है। इसको अब देखिए हमने एक और फंदा बुना, इसको जस्ट इसके ऊपर से हमने निकाल दिया। अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे एक एक करके मैं सभी फंदों को इसी तरह से बंद कर लूँगी, ठीक है। ये देखिए अब देखिए मैंने यहाँ पे ये सारे फंदे बंद कर लिए। अब रेड कलर के धागे का हमारा काम नहीं है तो मैं इसको इस यहाँ पे कट कर दूँगी। अब देखिए इसको मैं इस तरह से बंद कर, देखिए ये वाला पार्ट हमारा बनके रेडी हो गया इस तरह से, गाड़ी वाला पार्ट। ये देखिए ये इस तरह से आएगा, ठीक है। फोकस, यस। अब हम यहाँ पे ये जो पार्ट है ये वाला सॉक्स वाला ये बनाएंगे। ये देखिए ये 2x2 की रिब है। अगर आपको ये बनाना नहीं आती हो मैंने तो मैंने अपने चैनल पे इसका फुल वीडियो किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। अब देखिए इसमें अब हमें फंदे उठाने हैं। अब फंदे कहाँ से उठाने हैं हमें, ये देखिए यहाँ से रॉन्ग साइड आएंगे, इस जगह से हमें फंदे उठाने हैं, ठीक है, वाइट कलर की वूल से। तो इसको मैं हटा के एक साइड रख दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसको रॉन्ग साइड से, देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये वाइट वाली लाइनिंग जो है ये इससे ऊपर वाला ये जो लाइनिंग है ये चीज़, तो नीचे वाले जो लूप हैं ये वाले इनमें से हम फंदे उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंदा उठाएंगे इस जगह पे, देखिए इस तरह से। ये देखिए एक फंदा हमने उठा लिया। अब अगेन सेकंड वाला जो नीचे वाला लूप है ये वाला, इसमें से हम एक फंदा और उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर ये नीचे वाला लूप, इसमें से, ये देखिए नीचे वाला ये जो फंदा है ये इसमें से उठाएंगे, ये देखिए ये। तो इसी तरह से इसे उठाते हुए मैं यहाँ तक आती हूँ, ये देखिए यहाँ तक। अब इस लाइन पे ये हमें इस लाइन पे नहीं जाना है, यहाँ पे आना है, ठीक है।
ये देखिए इस तरह से, फिर हम ये इस तरह से उठाते जाएंगे फंदों को, देखिए इस तरह से। हमारे पास इस तरह से हम फंदे उठाते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हम फंदों को उठा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये टोटल फंदे उठा लिए, टोटल मेरे पास 46 फंदे आए हैं। अब यहाँ से मैं जिस तरह से ये देखिए, अब ये जो सॉक्स पार्ट है मैं दो उल्टे दो सीधे का बनाऊँगी, ठीक है, दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे। तो ये देखिए, और इस तरह से मैं करीबन 24 से 30 रोज़ बनाऊंगी। देखिए मैंने दो फंदे उल्टे लिए, फिर ये देखिए दो फंदे सीधे बुने, ठीक है, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। इसी तरह से मैं पूरी रो को कंटिन्यू करूंगी। अब देखिए ये फर्स्ट रो मैंने निकाली, अब नेक्स्ट रो में सेम वही करेंगे। देखिए दो फंदे सीधे हैं, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बुनेंगे, ठीक है। अब ये देखिए दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं हमें, तो इनको हम उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से मैं करीबन 24 से 30 रोज़ कंप्लीट कर लेती हूँ, 24 या 30 जो भी होगा वो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से, देखिए फोकस, यस, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे, धागा अपनी तरफ, दो उल्टे। तो इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो पार्ट है ये वाला बना के रेडी कर लिया है, सॉक्स वाला पार्ट। ये देखिए यहाँ पर मैंने 30 रिब्स बनाई हैं, 30 रोज बनाई हैं, 30 सलाइयाँ मैंने यहाँ पर बुनी हैं। तो अब हम यहाँ पे जस्ट इसे बंद करेंगे, ठीक है। बंद हम इसको जस्ट इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो इस साइड से बंद करेंगे हम इसको पर्ल वाइज। तो देखिए सिंपली बंद कर देंगे, देखिए एक फंदा स्किप करेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, इसके ऊपर से इसे इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। फिर एक और बुनेंगे, इसके ऊपर से इसे निकाल देंगे। ये तो मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि किस तरह से फंदों को बंद किया जाता है, और फिर भी अगर आपको नहीं आता है, आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। ये देखिए तो इसी तरह से हम सभी फंदों को बंद कर लेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर अब हम फंदों को बंद करेंगे, ठीक है। अब बंद सिंपल तरीका होता है बंद करने का, कुछ भी नहीं होता, जस्ट इसको एक फंदा स्किप करके, ये देखिए एक फंदा इस तरह से निट करेंगे और इसके ऊपर से हम इसे निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम सभी फंदों को एक एक करके बंद कर लेंगे, ये देखिए। और अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको फंदों को बंद करना नहीं आता है, तो आप मेरे चैनल पे देखिए, मैंने उसका सेपरेट वीडियो किया हुआ है। और वैसे भी थोड़ा बहुत तो मैं बता देती हूँ, जब भी वीडियो कुछ भी बनाती हूँ तो बता देती हूँ कि फंदों को किस तरह से बंद करना है। ये देखिए एक एक करके हम सभी फंदों को इस तरह से बंद कर लेंगे, ये देखिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक एक करके हम सभी फंदों को बंद कर लेंगे, ये देखिए। यहाँ पे आप 1x1 का बॉर्डर भी बना सकते थे, एक सीधा एक उल्टे का, लेकिन मैंने यहाँ पे 2x2 का बॉर्डर इसीलिए बनाया है क्योंकि इससे थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी जो है बहुत अच्छी आती है। अब देखिए इसे कट कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे धागा, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा सिलना भी है इसी को, वाइट वाले पार्ट को। ये देखिए इस तरह से, अब ये हमने इस तरह से बंद किया है, तो ये इस तरह से आ जाएगा ऊपर, ये वाला, ये देखिए। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे, देखिए किस तरह से करेंगे। ये जो वाइट पार्ट है इसे हमें ना ऊपर से ही स्टिच करना होगा, फ्रंट साइड से,
क्योंकि जब अगर हम इसको बैक साइड से स्टिच करेंगे तो ये जब फोल्ड करेंगे तो इसकी जो सिलाई है ना ऊपर दिखाई देगी यहाँ पे, तो इसलिए फ्रंट साइड से करेंगे, तो जब फोल्ड करेंगे तो इसकी सिलाई इसमें छिप जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें ये निडल लेके इस तरह से देखिए ये देखिए इस तरह से स्टिच करेंगे। सिंपल तरीका है वैसे तो, अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए फिर एक बार हम यहाँ से लेंगे, वाइट कलर को, वाइट कलर वाले पार्ट को हम वाइट कलर के धागे से सिलेंगे और रेड को रेड धागे से सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से सिल लेना है हमें। तो इसको हमें यहाँ से यहाँ तक वाइट कलर तक यहाँ तक सिल लेना है। तो मैं इसको ऑफ कैमरा सिल लेती हूँ। ये देखिए ये वाला पार्ट मैंने सिल लिया है। अब मैं यहाँ पे इसे बैक साइड से बंद कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से इसे मैं बंद कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से वाइट पार्ट को वाइट धागे से ही सिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमने वाइट पार्ट सिल लिया, इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये सॉक्स बना है, अब इसको यहाँ पे देखिए, अब ये रेड पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम रेड पार्ट को रेड धागे से ही सिलेंगे। देखिए इसको इस तरह से, अब देखिए इसको तो हम अंदर, इसको भी हम ऊपर की साइड से सिलेंगे क्योंकि ये ना इस तरह से फोल्ड होके आएगा। ये देखिए इसको थोड़ा सा सिक्योर कर देती हूँ मैं इस कॉर्नर को। अब देखिए इस तरह से हम स्टिच करेंगे, फिर हम ये लेंगे थोड़ा सा इस साइड से, फिर इस साइड से लेंगे हम इसको। ये देखिए इस तरह से, फिर से हम इसको इस साइड से लेंगे। इसी तरह से इसको सिल लेंगे। ये देखिए रेड कलर वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको धागे को अंदर करके इसको सिक्योर कर दूंगी यहाँ पे। गांठ लगा दूंगी एक। धागे को कट कर दूंगी। अब व्हाइट कलर वाले पार्ट को व्हाइट कलर के धागे से ही सिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमारे पास ये जो धागा है पहले इससे सिलेंगे हम। देखिए देखिए जस्ट इस तरह से हम सिलते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहां से पूरा यहां तक सिल लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे ये सिल के पूरा रेडी हो गया है। मैंने इसको ऑफ कैमरा सिल लिया है। धागे को कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये
इसको सीधा कर लेंगे पूरा। ये देखिए इस तरह से जितने भी धागे हैं वो सभी कट कर लेंगे हम। ये देखिए ये सोल पार्ट बनकर रेडी हो गया। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम आईज बना लेंगे और ये व्हील्स बना लेंगे। ये व्हील्स और आईज मैं आपको बनाना बता देती हूँ। मैं आपको इसको अब देखिए आईज यहाँ पे किस तरह से बनाइए, ये यहाँ पे देख लीजिए आप। कोई भी यहाँ पे आईज के लिए सेंटर पार्ट लेंगे। ये देखिए नीचे से दो लाइन छोड़कर यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। हाँ मैं काला धागा डालूंगी। अब देखिए इस तरह से मैं हल्का हल्का सा राउंड लगाऊंगी। इसी में से इसी एक सर्कल में से मैं निकालती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से जस्ट इसको फिल करते जाएंगे। ये देखिए एक आई हमारी बन गई। इसको यहाँ सिक्योर कर देंगे। धागे को कट कर देंगे। ये देखिए सेम आई मैं ऑफ कैमरा बना लेती हूँ। अब देखिए आँख पे ये जो पॉइंट है वाइट वाला बीच में, अब हम ये बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आईज मैंने बना ली है। अब वो यहाँ से बस जस्ट बैक साइड से डालेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल है, बहुत इजी सा है। देखिए इस तरह से डाल के इस तरह से हम इसे निकाल देंगे। जस्ट ये देखिए एक बार और डालेंगे, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसे भी हम यहाँ पे निकाल देंगे और इसे हम इसे बांध देंगे, बंद कर देंगे अब इसे। सेम मैं सेकंड आई में भी करूँगी। ये देखिए इस तरह से आंखें भी बनकर रेडी हो गई। अब हम यहाँ पे ये व्हील बनाएंगे। अच्छा ये व्हील मैं अलग से बना के यहाँ पे मैंने टक किए हैं, क्रोशिया से बनाए हैं।
मैं आपको काले धागे से बनाना नहीं बताऊंगी, मैं आपको किसी और धागे से बनाना बताऊंगी, क्योंकि काले से अगर मैं बताऊंगी तो ये ना दिखाई नहीं देगा, ब्लैक कलर से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको वाइट कलर के या कोई भी और धागे से बनाना बताती हूँ, फिर आप इसमें ब्लैक कलर से बना कर टक कर लीजिएगा। यहाँ पर बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए जस्ट मैं ये वाला धागा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, लाइट कलर का, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर एक आप स्लिप नॉट बना लेंगे, ठीक है, सॉरी स्लिप नॉट नहीं, एक मैजिक नॉट बनाएंगे इस तरह से, फिंगर निकाल के तीन चेन्स लेंगे, ठीक है, आप इसमें 14 डबल क्रोशिया करेंगे और तीन चेन्स मिला के 15 हो जाएंगे हमारे पास। तो देखिए 3 4 5 6 7 6, अब मैजिक रिंग को थोड़ा सा छोटा करते जाएंगे, देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये देखिए 15। अब इसको हम यहाँ थर्ड वाली चेन में जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से, मैजिक नॉट को इस तरह से ये देखिए खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास व्हील बनकर रेडी हो गया है, ये देखिए, ठीक है, बस ऐसे ही दो व्हील बना के आपको जस्ट यहाँ पे टक कर देनी है, बस इस तरह से। तो मैं इसके व्हील बना के, ऑफ कैमरा व्हील बना के आपको दिखाऊंगी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसके हेडलाइट्स भी ये देखिए मैंने बनाए हैं, इस तरह से बना के लगा सकते हैं, एक बनाया हुआ है, एक और आप वाइट कलर से बना के यहाँ पे लगा दें। तो मैं आपको बनाना बता देती हूँ किस तरह से, देखिए यही वाली वूल मैं वाइट वाली यूज कर रही हूँ, इस तरह से स्लिप नॉट मैंने लगा लिए, ये देखिए, ठीक है। अब मैं दो चेन्स ले लूँगी इस तरह से, इसके बाद इसके अंदर मैं 6 सिंगल क्रोशिया करूँगी, 6 सिंगल क्रोशिया, देखिए एक तो चेन हो गया और एक ये हो गया, 2 3 4 5 देखिए 6, ठीक है, इसको हम खींच देंगे और इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे और धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बस हेडलाइट बनकर रेडी हो गई है। अब जस्ट इसको हम बैक साइड लाके हाइड कर देंगे इस धागे को इस तरह से, देखिए। ये देखिए आपस में मैंने टक कर दिया और अब मैं इसको यहाँ पे जस्ट दूसरी साइड क्रोशेट हुक से इस कॉर्नर पर अंदर ले लूँगी। ये मैंने इसमें थोड़ा सा कपड़ा डाला हुआ है जिससे कि इसकी थिकनेस दिखाई दे, कि देखिए यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको अभी टाइट नहीं किया है, टाइट आप कर दीजिएगा,
देखिए इस तरह से ये हेडलाइट बनकर रेडी हो गए। देखिए सेम इसी तरह से ये मैंने बनाना आपको बता दिया, सेम इसी तरह से हमें सेकंड पेयर भी रेडी करना है। यहाँ पे ब्लैक कलर के व्हील लगाने हैं और हेडलाइट्स बना के लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा ये सॉक्स बनकर रेडी हो गया है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल बटन के साथ, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।